बदलते ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर अपना वार्डरोब तो अपडेट करते ही हैं। इसीलिए महका मीरपुरी के नए स्प्रिंग समर कलेक्शन को देखने की एक्साइटमेंट सभी में थी और उनकी ये एक्साइटमेंट दुगनी हो गई क्योंकि उनके शॉपिंग के बेनिफिट्स जाने वाले थे मुक्ति फाउंडेशन को। इस बात की भी एक्साइटमेंट है कि एक नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा है और उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ये कि जो उसका जो पैसा इकट्ठा होगा वो एक अच्छे काम के लिए जाएगा। तो आई थिंक दोनों की एक्साइटमेंट है पर उसका जो प्रॉपर यूज हो रहा है उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा है। कि हर नए कलेक्शन की ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है, एक अच्छे डिजाइनर के कपड़ों की खूबसूरती देखने की एक्साइटमेंट होती है, बट आई थिंक द कलेक्शन जस्ट बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द कॉज दैट्स अटैच्ड टू इट। एक तो दैट दिस इज अ गुड कॉज, मुक्ति फाउंडेशन के लिए जा रहा है प्रोसीड्स, बट ऑल्सो ये स्प्रिंग कलेक्शन देखना मुक्ति फाउंडेशन के लिए नहीं, एक भावना ऐसी है कि मैं इस समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बाद में कलेक्शन आता है, बाद में वो क्या प्रोफेशन में है वो सब चीज़ें बाद में आती है। डेफिनेटली वो अपने काम में बहुत ही अच्छी है। नॉट टू टेल यू ऑनेस्टली, इट्स बिकॉज इट्स फॉर द प्रोसीड्स फॉर मुक्ति विच इज़ ऑन एड्स अवेयरनेस, और मैंने कलेक्शन डिलिबरेटली बहुत अफोर्डेबल रखा है ताकि आई कैन रेज मोर मनी। दोनों चीज अट्रैक्ट करती है, स्पेशली मेका इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके लिए आया हूँ और ऑब्वियसली एक अच्छा कॉज है तो मैं उसको भी बधाई देना चाहूँगा। फिलिप्स को महका का नया कलेक्शन तो पसंद आया ही और उन्हें इस बात की काफी खुशी थी कि उनके फैशन का ये लगाव एक गुड कॉज के लिए है, यानी अच्छा काम, वो भी फैशनेबल अंदाज में। अंजलि सिंह, जूम, मुंबई।